ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इससे पहले हमने वीडियो में बात किया हुआ था कि ई वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ डेल वी होता है। ठीक है ना, डेल वी मतलब ग्रेडियंट होगा, डेल ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जे। और यहाँ पर E जो है E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर उसके बाद देखें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वी विथ इलेक्ट्रिक विथ आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया हुआ आर और ई और वी के बीच में दो ग्राफ हैं। ग्राफ नंबर टू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है और जो ग्राफ नंबर वन है वो पोटेंशियल का ग्राफ है। और दोनों को आप देखें तो एक पॉइंट है ए पॉइंट जिस पर ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर ये ई और वी दोनों इक्वेलेंट होंगे। ठीक है, और उसी इस पॉइंट से ही हमको ये निकल के आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये ऐसा सरफेस होता है जहाँ पर पूरे टोटल ओवरऑल सरफेस पर जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और पोटेंशियल कब कांस्टेंट होगा, जब आर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पर वो क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है, किसी भी चार्ज के लिए जो है वो स्फेरिकल सरफेस होगा पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस बताया था, सेम सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे हम और यहाँ पर वही आएगा वी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब दूसरा है यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको समझने की ज़रूरत है। डाइपोल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा पॉइंट ऐसा चार्ज, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे जो कि स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होंगे, उसको हम डाइपोल कहते हैं। उस डाइपोल पे अगर मैं डाइपोल निकालूं तो किसी पॉइंट ए पर, तो वो पी आर इज इक्वल टू P1+P2 हो जाएगा, एडिशन होता है, हमने इससे पहले भी निकाला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाला था। ठीक है, तो जो V होगा टोटल V पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, V1+V2 होगा, सुपर पोजिशन थ्योरम लगा करके पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की का हम यहाँ थ्योरी लगाएंगे। ठीक है, तो एक तो प्लस Q है, एक माइनस Q है, जिसकी वजह से Q-R1 माइनस Q/R2 हो जाएगा। Q को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 1/R1 की वैल्यू और 1/R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, तो उसके लिए हम कोसाइन रूल लगाएंगे जो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जिस एंगल के सामने वाला जो एंगल जो साइड होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ये रूल होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू R² + A² - R1² / 2RA, ये होता है। इससे हमने ये दो फार्मूले R1² और R2² निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, R1² = R² (1 - 2A cos θ/R + A²/R), इसमें R² हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब A² / R² निगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो 1/R की वैल्यू, A/R की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम फिर ये फार्मूला आ जाएगा मेरा R² = R² (1 - 2A cos θ/R). ठीक, तो R जो R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, वन अंडर रूट आएगा, और वहाँ पर जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे
तो मेरा ये आएगा 1/r1 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, जो हायर टर्म है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, इस वैल्यू को हम वहाँ पुट करेंगे, v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 1/r1 माइनस 1/r2 में जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी क्यू ओवर 4πε0 2a cos थीटा ओवर r स्क्वायर, ठीक है। अब 2aq को हम लिख सकते हैं p, तो हमने यहाँ पर p लिख दिया और ये जो हमारा वैल्यू आ गया v इज इक्वल टू p cos थीटा ओवर 4πε0 r स्क्वायर और v इज इक्वल टू p r वेक्टर ओवर 4πε0 r स्क्वायर, जहाँ पर r जो है बहुत बड़ा है a से, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर देखिए cos थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो वी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कॉस थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जो डाईपोल एक्सिस पे अगर हम देखें तो वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4πε0 पी ओवर आर स्क्वायर होगा, और अगर इक्वीटोरियल पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी जहाँ पर वी इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, आगे लेक्चर हम कल लेंगे, ओके।